अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी हमेशा से कहती है कि वो लोगों की पार्टी है और हर गरीब तबके तक पहुंचना उसका उद्देश्य है। और यही कहते हुए उन्होंने सत्ता भी हासिल की थी कि वो कोई भी ऐसी सिक्योरिटी या ऐसा कोई भी सुविधा नहीं लेंगे जो कि आम आदमी को नहीं मिलती है। तो फिलहाल ये सब झूठा साबित हो रहा है। और अब तो केजरीवाल ही नहीं बल्कि उनके एक मुख्यमंत्री जो है दूसरे राज्य में, भगवंत सिंह मान, वो भी ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने एक बड़ा दावा किया है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के काफिले में पूर्व मुख्यमंत्रियों, जिसमें प्रकाश सिंह बादल और अमरिंदर सिंह की तुलना में ज्यादा वाहन होते हैं, मतलब उनका काफिला पिछले के मुख्यमंत्रियों से भी बड़ा होता है। पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता बाजवा ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त जवाब का हवाला देते हुए दावा किया कि मुख्यमंत्री मान के काफिले में 42 कारें हैं, जो प्रकाश सिंह बादल और अमरिंदर सिंह के काफिले में शामिल कारों से कहीं ज्यादा है। तो इसके बाद से सवाल उठने लगे हैं कि क्या ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं भगवंत मान और आम आदमी पार्टी वाले। बाजवा ने एक बयान में कहा, चौंकाने वाला रहस्य उद्घाटन, मुख्यमंत्री बादल के काफिले में 2007-17 तक 33 वाहन थे और कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुख्यमंत्री बनने पर वाहनों की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ था, लेकिन एक RTI के माध्यम से ये खुलासा हुआ कि मुख्यमंत्री मान तथा कथित आम आदमी के काफिले में 42 कारें हैं। अब जब से बाजवा ने यह दावा किया है, हंगामा मचा हुआ है, तमाम तरीके इस पे बयान भी आ रहे हैं और लगातार अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को ट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल हमेशा यही कहते हुए नजर आते हैं कि वो गरीबों की पार्टी है और वो गरीबों का ही ख्याल रखते हैं, उनके मन मुताबिक काम करते हैं और फ्री शिक्षा, बिजली, पानी का हवाला वो हर राज्य में देते रहते हैं। फिलहाल अरविंद केजरीवाल की नजरें पंजाब जीतने के बाद अब गुजरात पर हैं और वो लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं, जहां पर वो एक बार फिर से दम भर रहे हैं कि यहां से BJP को उखाड़ फेंकेंगे और पंजाब की तरह ही सफलता हासिल करेंगे। लेकिन जिस तरीके से गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस नेता ने पंजाब के CM भगवंत मान की पोल खोली है, उससे आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। देखना होगा कि आम आदमी पार्टी इस पर क्या कुछ उत्तर देती है।